महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान विवाद अब देश के अन्य प्रदेशों में भी फैलता जा रहा है। अब इस विवाद का असर कानपुर में देखने को मिला। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वन खंडेश्वर मंदिर चौराहे पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि हर रोज सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होगा। सुबह सुबह जो अजान होती है उससे हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है और हर हफ्ते एक एक चौराहे को हम लोग पढ़ाएंगे और सभी चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। मेरा नाम दिनेश वाजपेयी है। हम लोग छत पर सोते हैं, सुबह सुबह हम लोगों को अजान की आवाज़ सुनाई देती थी, तो अब हम लोगों ने सोचा है कि हमारे चौराहे पे स्पीकर लगा के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके मानक के अनुसार सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ किया करेंगे, जिससे सुबह हमारे क्षेत्र में वातावरण साफ हो, सबके संकट कटे और हर चौराहे में प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे। हम लोग आज ये है कि अगली बार अगले चौराहे में प्रतिदिन बजा करेगा। अभिमन्यु सक्सेना, आज हम लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर आज से कार्यक्रम प्रतिदिन होगा, ये सिर्फ आज नहीं हुआ है, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे आज हमारा पहला चौराहा हनुमान चालीसा पाठ हुआ। धीरे धीरे हम इसको रामबाग चौराहा, बकर मंडी, बजरिया, जरीब चौकी लेन, एक एक दिन, एक अगले एक एक हफ्ते के हिसाब से हर चौराहे पे लाउड स्पीकर बढ़ते जाएंगे। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे हनुमान चालीसा का नित्य नियम से पाठ होगा। चूंकि इतना परेशान हो चुके हैं हम लोग, सुबह 5:30 पे उठते हैं, अजान की आवाज कानों पड़ने लगती है, पूरे शहर में अजान गूंजती है। इस वातावरण की शुद्धि करने के लिए संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, हमारे हिंदू समाज के जो लोग हैं वो बहुत परेशान है, इसे निजात दिलाने के लिए और वातावरण की शुद्धि के लिए भगवान राम का नाम और प्रभु हनुमान का नाम, इसके साथ हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे।